एक ओर बीजेपी गुजरात मिशन पर लग चुकी है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के सामने उपचुनाव की चुनौती है, जहां चंपावत में आज सीएम योगी धामी का प्रचार करते नजर आए। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने कॉमन सिविल कोड को मंजूरी दे दी है, जिसने एक बार फिर सियासत को गर्मा दिया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। यहाँ होड़ लगी हुई है कि कौन आगे बढ़ के कितना ज्यादा लोगों को में तनाव पैदा करने वाला कार्यक्रम करता है, उस पर आगे राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। अगर ये इतना आसान होता यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये कब का बन गया होता। एक फैसले ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को फिर से गर्मा दिया है। धामी सरकार के निर्णय ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक देश एक विधान वाले नारे की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी के गठन का आदेश सुनाया है। जस्टिस संजना देसाई के अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी हमने गठित कर दी है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हमने पहले ही कहा था कि हम इस पर, हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था, चुनाव के बाद पहली जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, पहली शपथ ग्रहण के बाद हमने उसमें ये सर्वसम्मति से फैसला ले लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए समान नागरिक संहिता लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे। आज हमने वो कमेटी बना दी है और कमेटी जल्दी ही ड्राफ्ट तैयार करेगी, और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद हम उसको लागू करेंगे। उत्तराखंड सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना देसाई करेंगे। इसमें पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, मनु गौड़ और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को शामिल किया गया है। ये कमेटी जल्द कानून का ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी, ताकि उत्तराखंड में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सके। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर कदम बढ़ाने वाला पहला राज्य है। सरकार जल्द इसे लागू करने का भरोसा जता रही है, लेकिन विपक्ष धामी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहा है। कोई इसे लोगों को परेशान करने का तरीका बताता है, तो कोई इसे 2024 के चुनावी एजेंडे से जोड़ रहा है। अभी जो देश का माहौल है, वो देश के माहौल में लोगों को लग रहा है कि साहब मुसलमान जो है वो टारगेट पर है, जो रूलिंग पार्टी है उसके टारगेट पर है, और उसी को टारगेट बना करके हिंदू वोट बैंक बनाने की कोशिश हो रही है। उसमें कुछ कुछ सफलता भी मिली है, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जी 2014 के मुकाबले 2019 में ज़्यादा मैंने वोट से जीते, ज़्यादा मैंने सांसद उनके जीते। अभी उनके सामने जो है 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वही लक्ष्य है, और उसी को एजेंडा बना करके लोग काम कर रहे हैं। ये जो इनके तर्कस में जितने सारे एजेंडा है, वो एजेंडाओं पर ही बहस चल रहा है, तो इसलिए यहाँ होड़ लगी हुई है कि कौन आगे बढ़ के कितना ज्यादा लोगों को चुट्टी काटने वाला, कितना ज्यादा लोगों को में तनाव पैदा करने वाला कार्यक्रम करता है। वही सबसे बड़ा सफल इनका मुख्यमंत्री है, वही सरकार। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ऐसे किसी भी कदम से पहले सरकार सभी पक्षों से चर्चा क्यों नहीं कर रही, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मनमानी क्यों कर रही है। यूनिफॉर्म में करना मैं समझता हूँ कि मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर राज्य सरकार की ये का प्रयास है तो ठीक है, वो उसका मसौदा तैयार करे और मसौदा को पेश करे, और उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर चिंतन होना चाहिए। अगर ये इतना आसान होता यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये कब का बन गया होता। हालांकि बीजेपी विरोधियों के इन बयानों पर सवाल उठा रही है, संविधान का हवाला देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को जरूरी बता रही है। 75 साल आजादी के हो चुके हैं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, पंडित जवाहरलाल नेहरू के संविधान, मौलाना अबुल कलाम आजाद के संविधान, और मौलाना हसरत मोहानी ने जिस संविधान को लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्होंने जो निर्देश दिया वो लोगों ने भूल गए थे। तो अच्छी बात है कि आज 75 साल हम आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इसमें कॉमन सिविल कोड की दिशा में जो हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है, कुछ राज्य उसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और उसमें आगे राष्ट्रीय बहस होनी। बीजेपी लगातार इसे देश में लागू करने की मांग करती रही,
बीजेपी शासित कई राज्यों में लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात उठती रही। अब 31 मई को होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले धामी ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी का गठन कर प्रदेश और देश में एक नई बहस छेड़ दी है। चंपावत से राजेश छाबरा के साथ देहरादून से दिलीप सिंह राठौर आज तक।